हाजीपुर सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति पारस की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, जहां पशुपति पारस ने संगठन मजबूती और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विशेष तौर पर टास्क दिया। वहीं 28 नवंबर को हाजीपुर में पार्टी की स्थापना दिवस समारोह पर हाजीपुर में अपनी ताकत दिखाएंगे। पशुपति पारस ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी का लोहा पूरे विश्व ने माना है। G20 चंद्रयान की सफलता से देश बेहद खुश है। वहीं बीजेपी से मांग किया है कि हम पुराने घटक दल हैं, इसलिए हम लोकसभा की 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर बोला हमला, कहा हाजीपुर मेरा सीट है, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की दल अब दल दल बन चुका है। हाजीपुर से क्या जा रहा है कि स्वर्गीय पासवान की आज जमीन नहीं है और उनका जन्मभूमि है, सॉरी कर्मभूमि है, और उन्होंने अपने जीते जिंदगी कहा था कि हाजीपुर की धरती, हाजीपुर हमारी माँ है, इसलिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं हाजीपुर में भी हम लोगों ने तय किया कि पटना के अलावा हाजीपुर में हमारा 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस मनाएंगे हम लोग। और आप लोग उसी देखेंगे कितनी संख्या में पूरे बिहार में, पूरे देश से लोगों की उपस्थिति हो रही है। नहीं, हमारा जो विभाग है उसमें मैंने कहा है कि यदि बिहार सरकार हमको जमीन दे तो मैं एक अलग से यूनिवर्सिटी नॉर्थ बिहार में हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, हम खोले। नहीं, हमारी बात नहीं, जब पहले हम लोग गठबंधन में थे उसमें हमारी बात हुई थी, लेकिन अब तो 36 का संबंध है, पहले 63 का संबंध था, अब 36 का संबंध है, इसलिए हमारी बात नहीं है। देखिए, आपको मैंने कहा कि हमारी पार्टी, हम एकमात्र सहयोगी दल है बिहार में NDA गठबंधन को। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 3 दल हम लोग थे, भाजपा, जनता दल यू और उस समय LJP था, हम लोग 3 दल थे। लेकिन आज सिर्फ 2 ही दल हैं। अभी बहुत से नए नए लोग आ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आए हैं तो कब तक जिंदे रहेंगे, नए नए में चले जाएंगे। तो हमारी पार्टी हम स्थायी गठबंधन के पार्ट है और हमारा 5 सांसद है, और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ NDA गठबंधन में जो हमारी पार्टी रहेगी, हमारा हम 5 के 5 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत जी, चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर में अपनी माँ, आप दूसरी बात को छोड़िए, जमुई से खुद लड़ेंगे और हाजीपुर में अपनी माँ को चुनाव लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे, कौन दल, दल का नाम बताइए, उसे पूछिए कि कौन दल है, दल 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 है कि दल दल है। 2 नवंबर को ये कार्यक्रम रखा गया है, 2 नवंबर को 1,00,000 शिक्षक की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, बस सत्य कि उस शिक्षकों का परमानेंट हो जाए और उनका वेतन समय पर होगा। पर परीक्षा लिए गए BPSC के द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत ही गड़बड़ी है, धांधली है, जीता रहा। अरे भाई, बिहार में तो गड़बड़ी का जड़ ही है। अभी जो सर्वे हुआ, जनगणना हुआ जिसको कहते हैं आप, बिहार सरकार के द्वारा जनगणना हुआ है, इस पर हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से घोर आपत्ति है कि हमारा गांव शहर बन्नी, जहाँ 10,000 की आबादी है, उस गांव से हम लोग 3-3 सांसद हैं, लेकिन कोई भी बिहार सरकार के कर्मचारी हमारे पंचायत में नहीं गया सर्वे कराने के लिए। ये हमारी घोर आपत्ति है। ये पटना सचिवालय में बैठ के सर्वे कराया गया है, इस सर्वे को मैं नहीं मानता।